दोस्तों, क्या आप भी पेन का इस्तेमाल करते हैं? हम भी करते हैं। और जो है ये 5 रुपए का पेन जो है ये हमारी दुनिया में, हमारी ज़िंदगी में, कई सारे जगहों में जो है इसका इस्तेमाल होते हैं। हमारी ज़िंदगी में ये पेन जो है काम को जो है आसान कर देते हैं। इसको लिखने के लिए, पढ़ाने के लिए, साइन करने के लिए, हॉस्पिटलों में, कॉलेजों में, स्कूलों में, ऑफिसों में, दुकानों में, कई सारे जगह जो है इसका इस्तेमाल भी होता है। लेकिन दोस्तों, आपको पता है ये 5 रुपए का पेन जो है स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स लोग जो है इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि ये पेन जो है स्पेस में काम नहीं करता है। और इसको जो है स्पेस में हम लोग जो है इसके ज़रिए कुछ भी लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि इसका बहुत ही बड़ा कारण है। देखिए दोस्तों, हमारे पृथ्वी में जो है ग्रेविटी होता है, और स्पेस में, क्योंकि हम सभी को मालूम है स्पेस में जो है ग्रेविटी नहीं होता है। स्पेस में आप कुछ भी चीज़ को छोड़ दोगे वो जो है ऊपर जो है फ्लोट होते रहता है, और जो है नीचे भी नहीं आता है, ऊपर भी नहीं जाता है, वो स्पेस में ही घूमते रहता है। लेकिन हमारे पृथ्वी में जो है कुछ भी चीज़ आप ऊपर फेंक दोगे वो नीचे चला जाता है। तो ग्रेविटी के ज़रिए हमारे, जैसे 5 रुपए का जो पेन होता है, ग्रेविटी का ज़रिए जो है ये पेन जो है काम करता है। इंक जो है निप में ग्रेविटी उसे खींच के नीचे ले आते हैं, जिससे कि हम लोग ये पेन का इस्तेमाल करके लिख सकती है। साइंटिस्ट लोग शुरुआत में जो है, एस्ट्रोनॉट्स लोग जो है शुरुआत में ये पेंसिल का इस्तेमाल करता था, लेकिन पेंसिल जो है ख़त्म होने के बाद जो है इसको शार्प करना पड़ता है। और ये स्पेस में अगर शार्प करने के बाद जो है इसका डस्ट वगैरह, इसका जो वेस्ट निकलता है पेंसिल से, वो जो है स्पेस शिप का अंदर अगर फ्लॉट होते रहेगा तो इस एस्ट्रोनॉट्स का आँख में, नाक में, कानों में जो है जा सकता है, जो कि बहुत ही हार्मफुल होता है। तो यही चीज़ को देख करके जो है 1965 में, तो दोस्तों 1965 में पॉल सी फिशर नामक एक व्यक्ति जो है फिशर पेन कंपनी का जो ऑनर है, इसने जो है एक ऐसा पेन का आविष्कार किया जो कि स्पेस में जो है आसानी से जो है एस्ट्रोनॉट्स लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो है एस्ट्रोनॉट्स लोग कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, लिख सकते हैं स्पेस में बिना कोई टेंशन का। और ये पेन जो है इसका नाम दिया गया है AG-7 एंटी ग्रेविटी पेन इसका नाम है। और इस ये पेन जो है हमारे नॉर्मल पेन का जैसा ही है, लेकिन इसमें इंक जो है हमारे नॉर्मल पेन का जो इंक है इसका इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जो इसका रिफिल होता है इसका अंदर जो है एक ऐसे गैस का इस्तेमाल किया गया है, नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल इसमें करते हैं रिफिल का अंदर, जो कि नाइट्रोजन गैस जो है इंक को पुश करके निप तक ले आते हैं, जिससे जो है एस्ट्रोनॉट्स लोग जो है आसानी से जो है स्पेस में इसका इस्तेमाल करके लिख सकते हैं कुछ भी। तो दोस्तों, आपको जान करके अच्छा लगा होगा। दोस्तों, चैनल में नए हो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करने के साथ ऑल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।